दंड मिलने होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस भी आज उसका मूल चरित्र उजागर हो रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद देश जानना चाहता है कि क्या कारण रहा कि चतरा से, झारखंड में जो चतरा क्षेत्र है, दो बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संजय करप्शन नाथ मिल गई थी, उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का आरोप नहीं था। ये जनता कहती थी कि बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तो एटीएम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे, तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी है कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही, और जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा, और ऐसे अपराधी, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं बचेंगे। इसे मोदी जी की गारंटी है कि बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। आज इस देश के अंदर एक तरफ घमंडिया गठबंधन, जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, तो दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 210 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई, जो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी, इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार साबित होता है। राहुल गांधी जी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में जो जनता से लूट में लगे हैं, लेकिन जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश के अंदर गारंटी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के तौर पर, फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं, खूब बिक्री हुई है, लगता है सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई। तभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची है। कांग्रेस के आलाकमान और गांधी खानदान को, देश को यह बताना होगा कि उनके जिस सांसद के 10 ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये कांग्रेस नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये कौन है जिसका एटीएम बनकर के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का ये नेता आज भ्रष्टाचारी के तौर पर उभरा है?
मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग थे, श्रीमान बंटा ढार, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के बारे में तो यहां उन्हीं के मंत्री ने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा शराब माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया कोई है तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कमलनाथ तो करप्शन नाथ ही बन गए, जो मध्य प्रदेश की जनता ने इन सबको आईना दिखाया है। जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। ऐसे घोटालों और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा इस देश के अंदर दी जा रही है। इंडिया अलायंस यानी घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार का लूट खसोट तो करते ही है, और जब ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई से कांग्रेस नेता अपनी जेब भर रहे हैं और यह सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। यह सारा पैसा जनता की कमाई का है जिससे कांग्रेस के नेता अपने घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी इन मामलों में साधे बैठे हैं। इसलिए घमंडिया गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। मैं आज इसकी कड़ी आलोचना करते हुए मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे देश के अंदर, इस बात की गारंटी है। देश की जनता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहती है कि इतने करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए अभी तक की सर्वाधिक राशि इस छापे के अंदर पकड़ी गई कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के पास, तो इसका जवाब देश पूछना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो कृपया आमंत्रित है। अनुराग जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर को लगता है मैं चोरी करके आया हूं तो कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण है। इस मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर। और चिंता मत करिए दिग्विजय सिंह जी, समय आ रहा है। कहां कहां आप बच गए थे, कहां कहां आप छूट गए थे, उसका भी हिसाब किताब होगा। इसलिए ईडी हो या सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं, ये किसी के कहने पर काम नहीं करती। सरकार तो आपकी भी रही।